हाय डियर फ्रेंड्स, एक भी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अपन बायोलॉजी का इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने जा रहे हैं। अभी जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का, हिंदी मीडियम में बायोलॉजी जीव विज्ञान का थोड़ी देर पहले अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर, और ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए है ना। तो इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो आंसर है क्वेश्चन को मिलान कर लीजिए दोस्तों। मैंने लाइन से आंसर को लिख दिया है, ठीक है। चूज़ द करेक्ट आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और मैच द कॉलम है। इसके क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, बाकी क्वेश्चन के क्वेश्चन सब लिखे हुए हैं दोस्तों, देखिए है ना। ठीक है, तो देखते जाइए यहाँ पर। चूज़ द करेक्ट आंसर 5 क्वेश्चन है, मैंने 5 को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक, अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में भी देख लीजिए ध्यान से, इसके भी सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया गया है। ठीक, ये फिल इन द ब्लैंक्स का हो गया, और यहाँ पर मैच द कॉलम का बात करते हैं, तो मैच द कॉलम भी यहाँ पर सॉल्व है। पांचों का आंसर बस को लिख दिया हूँ मैंने दोस्तों, आप लोग जो है क्वेश्चन मिलान कर लेना। यहाँ पर पांचों का आंसर मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, देखिए, राइट द नेम ऑफ 2 गैसेस प्रेजेंट इन द एयरली एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ है। तो यहाँ पर ये आंसर लिख दिया गया है। अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, इससे वीडियो की लंबाई बढ़ती है, और आप ज़्यादा वीडियो लंबा जो है वीडियो मज़ा नहीं आता है ना, है ना। 5-6 मिनट का रहता तो क्या है, फटाफट अपने नोट कर लिए, 10-15 मिनट में फालतू टाइम वेस्ट होना, ठीक है, आगे बढ़ा बढ़ा के देखना मज़ा नहीं आता, ठीक है। इसलिए मैं जो है जितना मिनट का रहता है ना, कम से कम कोशिश करता हूँ। बाकी लोग का वीडियो देखना, उन लोग एक ही छोटा सा जो आंसर है उसको 15-20 मिनट का बनाते हैं दोस्तों, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं जो रियल है, एक्चुअल है, वही करता हूँ। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मिलान कर लेना। अब एक क्वेश्चन 5 का आंसर है, देखिए, ये 4 का है, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर जो कलर है उसको इसलिए चेंज किया है क्योंकि आपको क्वेश्चन और आंसर जो है अलग से दिखे, है ना, ऐसे में कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन 6 है, इसके आंसर देखिए रेड कलर में उत्तर करके लिख दिया हूँ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 और 8 के आंसर इस पृष्ठ से आप पेज से नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 9 है, ड्रा ए डायग्राम एंड राइट द प्रोकिचैनी ऑफ कलर ब्लाइंड फीमेल। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर, ये ऐसे एक आपको चार्ट बनाना है, पेंसिल से बना लीजिएगा बढ़िया से, है ना दोस्तों। आपको चिपकाना नहीं है आंसर शीट में, आपको स्वयं बनाना है पेंसिल से, इस तरह से डायग्राम आपको बना देना है, और इसमें कुछ नीचे में आंसर से जो लिखा हुआ है उसको इंस्ट्रक्शन को लिख लेना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 10 में, क्वेश्चन 10, राइट द 3 बेनिफिट ऑफ बायो गैस। तो यहाँ पर 3 बेनिफिट यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन 11, राइट एनी 3 प्रोसेस दैट कैन प्लेस इन द कार्बन साइकिल, है ना। 3 प्रोसेस लिखना है, 3 प्रोसेस लिख दिया गया है दोस्तों, आप लोग भी यही नोट कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन 12 में आते हैं, 3 रीजन ऑफ वाई देयर इज ए नीड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसका भी है ना 3 पॉइंट जो है दे दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन 13 में आते हैं, हाउ कैन यू फाइंड द एज ऑफ ट्री। इसके आंसर भी यहाँ पर नोट कर दिया गया है, है ना। 2 तरीके बताए गए हैं, दोनों को नोट कर लेना पैराग्राफ चेंज करके। इसके बाद क्वेश्चन 14 में आते हैं, ड्राई रिफ्लेक्शन एक्शन डायग्राम। इसमें सिर्फ डायग्राम देना था ऐसे, है ना, बढ़िया से पेंसिल से मार्किंग कर लेना, बना लेना, और सारे को ऐसे नेमिंग कर देना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 15 है, राइट 4 डिफरेंस बिटवीन DNA RNA, है ना। तो 4 डिफरेंस देना है, तो 4 डिफरेंस मैंने दे दिया है, नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 16 है, ड्राई वेल लेवल डायग्राम यूरिनरी सिस्टम। तो ये यूरिनरी सिस्टम का है दोस्तों, ये तो गूगल से भी आप डाउनलोड करके लिख सकते हो, है ना, और बहुत सारे साधन है लिखने का दोस्तों, है ना। कहीं से भी, जहाँ से भी आपको आंसर जल्दी मिलता है वहाँ से नोट कीजिए, ज़रूरी नहीं है सिर्फ मेरे चैनल को देख कर नोट करें, ठीक। जहाँ जैसा भी आपको आंसर मिलता है फटाफट लिखना है, देरी वाला काम नहीं करना, किसी का वेट इंतज़ार ना करें, सीधा मैं तो यही कहता हूँ भाई। आंसर जल्दी ना आने का बहुत सारा कारण होता है, 13-13 सब्जेक्ट है बारहवीं में, 13 सब्जेक्ट का आंसर PDF बनाना बहुत मायने रखता है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है दोस्तों, लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं, उनको जल्दी चाहिए होता है। ये क्वेश्चन 17 है,
क्वेश्चन 17 का ही आंसर है दोस्तों, इसके बाद 18, तो 18 का ही आंसर है, नोट कर लीजिए, फिर मैं स्क्रीन आगे बढ़ाऊंगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सब पीडीएफ के चक्कर में ढूंढ इधर उधर भटकते हैं, ये नहीं कि यूट्यूब को ही पॉज करके अपना चुपचाप लिखे, लेकिन सब पीडीएफ चाहिए सर, पीडीएफ चाहिए, फिर भी पीडीएफ दे दिया जाता है। मेरे चैनल में जिन लोग देखते हैं भाई, मैं तो सारे को पीडीएफ भेजता हूँ। इसके बाद आपका 19 क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना, वैसे अन्यथा क्या है, वीडियो की लंबाई बढ़ जाती है ना, मुझे क्या है, वीडियो की लंबाई बढ़ता है ना, तो मैं खुद ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करता है। आप लोग की तरह आप लोग भी ये सोच रहे हो कि ज़्यादा वीडियो लंबा मज़ा नहीं आता है, इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाओ भाई, जिसको देखने में भी और सुनने में भी मज़ा आए और लिखने में भी मज़ा आए। एक ही क्वेश्चन को कहाँ समझाते रहोगे भैया। क्वेश्चन 19, ये थोड़ा सा और बचा है, एक पैराग्राफ, ये कंप्लीट हो गया दोस्तों, आपका सारा आंसर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए, है ना, और भी जो बचे हुए हैं दोस्तों शाम तक अपलोड करने की कोशिश करूँगा आपको। जैसे बताया मैंने, 13 सब्जेक्ट बहुत हैवी हो जाता है, उसको लैपटॉप में लिखना, उसके बाद प्रिंट करना दुनिया भर का, उसके बाद वीडियो एडिटिंग में बहुत समय लगता है, ठीक है, यदि जिन लोग को मालूम होगा समझ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।